आज मैंने इतने कपड़े धो दिए, इतनी चीजें धोई आज मैंने, क्योंकि हमें गुप्त सूत्रों से पता चला कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आदि कैलाश जा सकते हैं, तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। लेकिन इतने तो ले जाऊंगा नहीं, जो ठंडा होगा ना वहां तो बहुत। मानते मैंने एक महीने से कपड़े नहीं धोए थे, उसी को पहनते जा रहा था, दूसरे पहनते जा रहा था, दूसरे पहनते जा रहा था, इकट्ठा कर करके इतने हो गए। पर चेंज हर दिन करता हूँ कपड़ा, ऐसा नहीं है। देखो अभी भी आज ये पहना, कल कुछ और पहनूंगा, डेली नहा कर डेली चेंज करता हूँ मैं। एक बार पहने हुए कपड़े दूसरे दिन नहीं पहनता हूँ, फिर धो के पहनता हूँ। मतलब पहनता तो वही हूँ नहीं, तो इतने अमीर तो है नहीं, लेकिन नहा धो के कपड़े चेंज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कपड़े हैं मेरे, देखो इतने सारे, और यहाँ पहले से ही सूखे हुए हैं। क्या मुझे तार में जगह नहीं मिल पाएगी? तो अब मैं कहाँ सुखाऊँ कपड़े, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। देखते हैं खुफिया, ये रही, मिल गई। और मेरे कपड़ों ने बना ली अपनी जगह। पहले जगह नहीं दिख रही थी, अब सारे कपड़े सूख गए। कभी भी जिंदगी में हार मत मानो, जब तक आखिरी उम्मीद जिंदा है। ये देखिए मेरे कपड़े क्या लहराते हुए सूख रहे हैं, और जिनके सूखे हुए थे मैंने कर दिए हैं क्लोज। सॉरी भाई लोगों। तो अभी शाम हो गई है और हम दोनों भाई आ गए हैं वॉक करने। हमारे सामने है हनुमान मंदिर। ये जब भी हम इधर वॉक करने आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम प्रणाम करते हैं हनुमान जी को। और नीम करौली बाबा जी भी हैं अंदर, और मेरे साथ है मेरे मित्र जीवन। शाम को कहीं पार्टी वार्टी करवाओगे? आज वॉक करते करते कोई दुकान पड़ेगी तो जरूर। चलो ठीक है, आज देखते हैं क्या पिलाते हैं जीवन भाई। आगे दुकान है थोड़ा सा आगे धमौड़ में। ये देखिए ऊपर पहाड़ों में घास काट रहे हैं। क्या यार ये घास ऐसे किस क्यों काट रहे हैं ये लोग, किसके लिए काट रहे हैं? असोज बोलते हैं ना, असोज। हाँ तो जो घास होती है इसको पहले काटते हैं, उसके बाद इसको सुखाते हैं, उसके लुट्टे बनाते हैं। अच्छा, इसी के घास के लुट्टे बने होते हैं जो असोज? जब ठंडी के दिनों में चारा वगैरह कम रहता है तो उस टाइम गायों को भैंसों को खिलाने के लिए रहता है, तभी बोलते हैं असोज का महीना आ गया। असोज लग गया। देखो दोस्तों असोज लग गया तभी ये घास काटी जाती है। चलो वहीं जाके देखते हैं। ये देखो ऐसे घास काटा जाता है असोज के महीने में। देखिए घास काट रहे हैं असोज। इसको कितने दिन तक रहोगे आप? अच्छा, वैसे पता नहीं चलता था ना इतनी बड़ी घास होगी, कटने के बाद इतना मस्त लग रहा है। अच्छा इसमें भी खाद डालते हैं क्या? अरे घास में भी खाद डालते हैं, देख लो यहाँ पहाड़ों में। एक गाना हो जाए घास काटू लो ईजू वाला। अभी गाना याद ही नहीं आ रहा यार। घास काटू लो ईजू ऊंचा डाणा में तो था। घास काटू लो ईजू ऊंचा डाणा मा उस दा मेरो खुश रह लो। क्या खाओगे बताओ? तुम बताओ। ये कुछ नया नया लग रहा है यार, ये खाते हैं। जीवन भाई, जॉब लगने के बाद जिंदगी सुकून की तो जाती है ना? बिल्कुल यार, 100% सुकून मिलता है यार बहुत। मतलब जो मैं तो था ही, तुम अपना अनुभव बताओ। मैं तो पहले भी जॉब में था तो मैं तो पहले से सुकून में था थोड़ा, लेकिन अभी भी जॉब लगी वाली तो और सुकून हो गया, ज़्यादा सुकून हो गया, कोई टेंशन नहीं रहती। और तुम बताओ ऐसा लगता है तुम्हें भी? बिल्कुल यार, जब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अंतर तो है ही ना। अंतर तो है, देखो चेहरे की रौनक ही बताती है कितना अंतर है। चेहरा तो पहले भी ऐसा था। देखो चाय पीने भी ये पहाड़ी में आते हैं, देखो कितने मस्त नज़ारा लेते हुए। 9 तारीख को आदि कैलाश जा रहे हैं, पता है? पैसे आने लग गए हो गया। अभी पार्टी जिस दिन हम जाएंगे ना, विदाई होगी उस दिन पार्टी करेंगे। तो वॉक करके पहुंच गया मैं कमरे में, और अभी मैं बुला रहा हूँ बोरा जी को इंटरव्यू के लिए। अभी उनका इंटरव्यू लेते हैं, अगर अभी डाल पाया तो अभी डालूंगा, तो कल डालूंगा। ठीक है, गुड नाइट। आज का ब्लॉग आपको बहुत बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, टाइम पास ब्लॉग। इस ब्लॉग का नाम ही टाइम पास ब्लॉग।